नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एंड स्पेशल थैंक्स टू विजय सर जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। सो थैंक्स अ लॉट सर, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया है। सो तहे दिल से आप सभी का विशेष धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है एसिडिटी, इसे कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है। और पहले मैं 1 मिनट में ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक चुनने का उद्देश्य क्या है। ये टॉपिक चुनने का उद्देश्य ये है कि 90% ऑफ द जो प्रॉब्लम्स हैं आज की दिनों में हो रहे हैं वो अक्सर इन्हीं के लक्षणों के आसपास रहते हैं। तो अगर आप एसिडिटी को मैनेज करते हैं तो आपके 90% जो हेल्थ इश्यूज है वो मैनेज होने लग जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझेंगे। तो आपसे एक और दरख्वास्त है, कर अगर आप नोटबुक पेन साथ में रखते हैं तो और भी आपके लिए सहायता होगी, क्योंकि मैं जो रेमेडीज आपको बताऊंगा या फिर जो चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल साइड इफेक्ट वाली नहीं है, और बहुत सी चीजें ऐसी बताऊंगा जहां पर हो सकता है साइड इफेक्ट हो, तो कुछ वहां पर जरूरी प्रिकॉशन बताऊंगा तो नोट करना आवश्यक है। और अगर आप में से किसी व्यक्ति के आसपास में किसी को है ये प्रॉब्लम, है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिडिटी एक केवल नाम यहाँ पर सीमित नहीं है, ये हेड टू टो पूरे बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, तो डेफिनेटली आप उनको मदद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। एसिडिटी, इसे एसिड रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं, या फिर आयुर्वेद में इसे हम आम्ल पित्त कहते हैं। ये होता क्या है, इसमें शरीर में क्या होता है, इसके क्या कारण है, तो पहले पहलू में ये हम समझते हैं। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे आपको और मदद हो जाएगी समझने में। एक बार आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है जो मैंने शेयर की। यस ओके, गुड गुड गुड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इसके क्या लक्षण है। पहला लक्षण है बर्निंग सेंसेशन, पित्त जहां पर होता है वहां पर बर्निंग रहता है, जलन रहती, हमेशा ही रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली पित्त के पास बर्निंग सेंसेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका बाकी नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, खट्टी डकारे आना, सर दर्द करना, ये सामान्य लक्षण आप सभी को पता ही है। चिड़चिड़ होना, मुंह में खट्टा पानी आना, कड़वाहट रहना, है ना, बार बार खाना ऊपर आते रहना, खाने के अलावा भी, मतलब कभी कभार किसी को कुछ नहीं भी खाया तो भी ये वॉमिटिंग जैसा होता है, और खाने के बाद भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो अपर एब्डोमेन है और चेस्ट है, यहाँ पर दर्द रहना, है ना, हार्ट अटैक जैसा भी दर्द कभी कभार हो सकता है। तो ये सामान्य लक्षण है एसिडिटी के, जो इनफैक्ट जान सकते हैं आप सभी लोग, ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली एसिडिटी क्या है, क्योंकि उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती और कभी हुई नहीं होती है। तो ये सामान्य लक्षण है एसिडिटी के, लेकिन ये अब तक सीमित नहीं है, ये केवल बाहर का पोस्टर है जी एसिडिटी का, ये जो है केवल बाहर का पोस्टर है। तो चलो अंदर की फिल्म जानते हैं क्या है, इसके कारण पहले जानते हैं, ठीक है, क्या क्या कारण है। अति उष्ण तीक्ष्ण आहार सेवन करना, अति उष्ण तीक्ष्ण क्या होता है, बहुत गर्म चीजें खाना, जैसे अदरक, चाय, है ना, कॉफी, ये जो चीजें हैं गर्म होती है, स्पाइसेस, मसाले, बाहर का खाना, ऑयली खाना, ये उष्ण तीक्ष्ण चीजें कहलाती है। विरुद्ध आहार सेवन, विरुद्ध आहार सेवन यानी जो चीजें एक साथ नहीं करनी चाहिए वो करना, जैसे दूध और भारी भरकम चीजें एक साथ खाना, स्पेशली दूध बिस्किट, जिनकी अग्नि अच्छी है, व्यायाम जो करते हैं हर दिन, योग अभ्यास करते हैं, उनको पच भी जाता है, लेकिन इन जनरल जिनका इतना वर्कआउट नहीं है तो उन्होंने दूध के साथ कुछ ना ही लेना बेटर रहता है। इसके अलावा दही को गर्म करना, है ना, तो ये चीजें विरुद्ध आहार में आती है। अति मात्रा में सॉल्ट, कैफीन, टी, कॉफी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, टोबैको, पैक्ड फूड, पिकल्स, पापड़, तले हुए पदार्थ, समोसे, कचौरी, पानीपुरी, वड़ा पाव, नॉनवेज, अदरक, नमकीन, चिवड़ा, प्रिजर्व फूड का सेवन करना, ये सारी चीजें आपको पता ही है, ये लिस्ट आपको इन जनरल पता ही होती है। तो क्या होता है ना, ये बताने का उद्देश्य ये है कि याद आता है। बहुत बार हम चीजें करते हैं पर याद नहीं रहता, यार ये हमने खाया था इसके कारण हमें ये इश्यू हुआ है, लेकिन जैसे आपको बताया कि जो लक्षण जाने हमने, सिम्टम जाने एसिडिटी के कौन से हैं, ये जो जलन होना पेट में, छाती में, है ना, हेडेक वगैरह होना, ये इसका पोस्टर है, बाहरी पोस्टर, अंदर की बात तो ये बिल्कुल अलग ही कर देता है। इसके अलावा इसका एक और भी कारण है, लेट नाइट डिनर, लेट नाइट सोना, मतलब रात को बहुत देर से सोना, दिन में सोना, दिन में सोने से भी एसिडिटी बढ़ती है, क्योंकि कफ और पित्त दोष बढ़ता है दिवा स्वाप, यानी दिन में सोने से।
अब ट्रैवलिंग करना, आपने भोजन किया और ट्रैवलिंग किया, मेरे ज्यादातर पेशेंट्स को जब मैं हिस्ट्री पूछता हूं तो उनका ये कॉमन लक्षण रहता है कि शादी को गए थे, बहुत लंबा सफर था, शादी में खाना खाया, भरपूर पेट भर खाना खाया, अभी वो खाना ऐसा ही होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो उसके बाद ट्रैवलिंग किया, तो वो फिर एसिडिटी का बड़ा कारण बनता है और उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। वेग धारण करना, वेग क्या होते हैं, नेचुरल, जैसे भूख लगी है फिर भी खा नहीं रहे, प्यास लगी है फिर भी पानी नहीं पी रहे, इसे कहते हैं वेगों का धारण करना। यूरिनेशन के लिए, पेशाब के लिए प्रेशर आया, नहीं जा रहे, है ना, टॉयलेट के लिए प्रेशर आया, नहीं जा रहे, इसे कहते हैं वेगों का धारण करना। कभी नहीं करना चाहिए, जब भी आपको, आयुर्वेद में कहा है कि जब भी आपको वेग आते हैं तो पहले आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य होगा उसे छोड़कर आपको वेगों को देखना है, ठीक है। अग्निमानदेय, अग्निमानदेय यानी भूख का कमजोर होना, है ना, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इन जनरल जो इजीली हो सकता है आज हम उसको पढ़ेंगे। आम्ल यानी जो खट्टी चीजें हैं, लवण यानी सॉल्टी, कटु यानी तीखी चीजें, तो खट्टा, तीखा, सॉल्टी, ये चीजें खाने से, अति मात्रा में खाने से ये बढ़ता है। अभी यहाँ पर टेस्ट के बारे में बताया है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ये टेस्ट वाली चीजें हमारे फूड में कौन सी होती है। मेथी, हरी सब्जियां, आलू, बैंगन, नॉनवेज, ये सारी चीजें पित्त बढ़ाती है, और सभी कारण जिससे अपाचन हो सकता है, वो सभी कारण जिससे अपाचन हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, वो है एसिडिटी के कारण। तो यहाँ पर विहारज, विहारज का मतलब होता है कि खान पान के अलावा कौन से कारण है, अदर देन फूड, फूड यानी आहारज कहते हैं, विहारज यानी खान पान के अलावा, तो रात में जागरण करना, दिन में सोना, कोई एडिक्शन होना टोबैको का, स्मोकिंग का, है ना, अल्पनिद्रा, नींद कम होना, बहुत ज्यादा व्यायाम करना, अपनी क्षमता से ज्यादा और बहुत कम व्यायाम करना, व्यायाम करना आवश्यक है लेकिन एक सीमा में होना चाहिए, बहुत कष्ट करना, धूप में कष्ट, धूप में, हवा में, पानी में ज्यादा कष्ट करना, वेगों का धारण करना, और धूप में ज्यादा देर तक रहना, गर्म जगह पर मशीन्स के साथ वगैरह काम करना, मानसिक कारण भी है, क्रोध, भय, अशोक, अति, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, भय, अशोक, अति, चिंता, ईर्ष्या, इंसान के सभी बीमारियों के कारणों में कॉमन है, लेकिन एसिडिटी के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज्यादा गुस्सा आना, चिंता रहना, शोक करना, ये भी योग अभ्यास में आप इसको बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो उससे भी एसिडिटी हो सकती है, और बाकी अगर लीवर प्रॉब्लम है या अपाचन है लंबे समय से तो भी एसिडिटी होती है। इसके अलावा अगर आपकी प्रकृति पित्त दोष की है, मतलब ऑलरेडी आपके बॉडी में एक एसिडिक पीएच रहती है, थोड़ा सा उष्णता या गर्माहट की आपको ऑलरेडी तकलीफ है, या पित्त प्रकृति है, और उस केस में आप थोड़ा सा चाहते हैं कि बाहर जाकर कुछ खाए, तो उस समय में आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए कि भैया ऑलरेडी प्रकृति वैसी है और आप उसमें और ऐड करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। हमारे जो भारत देश है इसमें 6 ऋतु होते हैं, कितने ऋतु होते हैं टोटल, 6 ऋतु होते हैं, तो 6 ऋतु के नाम क्या क्या है, जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ऐसे 6 ऋतु होते हैं, 6 सीजन होते हैं, हर ऋतु में 2 महीने आते हैं, है ना, 6 2 12, राइट। तो अभी जो अक्टूबर का समय है ये होता है शरद ऋतु का, और एक अक्टूबर के आसपास का समय, थोड़ा सा भारत देश बहुत बड़ा है तो थोड़ा डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज अक्टूबर समझ लीजिएगा। अक्टूबर हीट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो देखिए ये शरद ऋतु जो है ये काल है पित्त प्रकोप का, मतलब जो पित्त दोष होता है हमारे बॉडी में इसका प्रकोप होता है शरद ऋतु में, और अगर इस ऋतु में आप खान पान जो अभी हमने डिस्कस किया है वो वाला करते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई पित्त की बीमारियां बना देता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम होना, हेयर फॉल होना, पिंपल्स होना, पीरियड से रिलेटेड समस्याएं होना, ब्लीडिंग होना, इस तरह की। और एसिडिटी तो ये बाहरी पोस्टर है भैया, लेकिन ये अंदर की फिल्म जो है ये बिल्कुल ही बड़ी है, तो ये और एक पार्ट में नहीं आती, बहुत सारे पार्ट्स है इसके, बहुत सारे पार्ट्स है, ऐसी अलग अलग बीमारियां ये ला सकता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आती है। अभी ये दिक्कत होती क्या है, जैसे देखिए समर, समर सीजन में हीट होती है, ड्राइनेस होता है, उस कारण से थोड़ा वात पित्त बढ़ने लगता है। शरद वर्षा ऋतु है, वर्षा मतलब रेनी सीजन में वात बढ़ता है, रेनी सीजन में अक्सर हम बाहर का खाना टालते हैं, क्यों टालते हैं, अनहाइजीनिक होता है, बारिश होती रहती है ना, तो उस समय में, ये बात अलग है कि कभी कभार जाते भी है,
चलो ठीक है, अनहाइजीनिक है तो क्या हुआ, लेकिन जीवा का है तो जाए चले जाए, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद जो क्रेविंग जमा हो गई थी पूरे ऋतु की, वो अभी निकलती है शरद ऋतु में, कि अभी बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है, वातावरण साफ है, बिल्कुल वेदर साफ है, तो बाहर का हम खाते हैं। वो जैसे ही आप बाहर का खाते हैं, शरद ऋतु बिल्कुल हाथ जोड़कर आपके लिए रेडी है कि स्वागत है आपको आपका पित्त की बीमारियों में। अगर आप उस समय में वो चीजें खाते हैं जो ऑयली होती है, फ्राइड होती है, बाहर की होती है, मसाले वाली होती है, रात में जागरण करते हैं, वो आपके शरीर में पित्त को विकृत कर देता है और ब्लड को, आपके खून को खराब कर देता है, और उसके कारण से जो बीमारियां होती है वो ट्रीट करने में काफी लंबा समय जाता है। तो ठीक है सर, इतना हमारे पास ट्रीटमेंट होती है, काफी चीजें हैं, उसे ठीक कर लेंगे, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। केवल आप ट्रीटमेंट से लक्षणों को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि ऋतु का जो सीजन का इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे एक सामान्य उदाहरण है, जो कि एक किसान होता है, वो फसल उगाने के लिए एक राइट टाइम का वेट करता है। सही बात है, हर एक फसल का एक राइट टाइम होता है, एक सीजन होता है, वैसे ही सीजन का हमारे बॉडी पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। शरद के बाद आता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु 6 सीजन में, 6 जो सीजन है, हेमंत यानी विंटर, विंटर सीजन सबसे ज्यादा ताकतवर ऋतु है, जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है, आपकी हंगर को स्ट्रांग बनाता है, बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, इवन इंटेलेक्ट भी इंप्रूव करने में, आपकी बौद्धिक क्षमता इंप्रूव करने में, स्ट्रेस लेवल को डाउन करने में, जो हेमंत ऋतु है ना, बहुत ही यूजफुल होता है। लेकिन शरद ऋतु में गलती हो गई ना भैया, अगर शरद ऋतु में हमने गलती कर दी तो हेमंत कुछ नहीं कर पाता है। तो हेमंत एक डिमांडिंग ऋतु है। डिमांडिंग मतलब कैसे, उसको भूख चाहिए, बहुत भूख लगती है उस समय में, तो उस समय हमें खाना होता है, भरपूर भोजन करना होता है हेमंत ऋतु में, क्योंकि भूख ज्यादा बढ़ती है और शरीर को एनर्जी भी लगती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और अगर आपने ज्यादा भोजन कर लिया और ये पित्त का प्रॉब्लम है, तो उस समय ये ऐसा जहर बनाता है शरीर में जिसको निकालने के लिए साल भी कम बढ़ जाता है, और सीजन साल में एक ही बार आता है भैया। आप ये नहीं कह सकते कि शरद ऋतु में हमने गलत कर लिया, फिर से टाइम को रिवर्स करते और शरद नहीं, अभी अगले आपको नेक्स्ट 8 to 10 months वेट करना पड़ेगा वो फिर से समय आने के लिए, है ना, मिनिमम 10 months तो वेट करना पड़ेगा। तो ये समझ जाइएगा कि किस ऋतु में आप क्या गलती करते हैं। ऑल राइट, तो जो फरसान चिवड़ा वगैरह होता है उसको थोड़ा दूर रहिए भैया, फ्रेश खाइए, घर में बनाइए, फ्रेश खत्म कर दीजिए, वो ज्यादा फ्राइड वाइड मत खाइए। और एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता है, ये जो बाहर की चीजें ऑयल में बनती है, कौन सा ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, उसमें कॉटन सीड ऑयल मिक्स किया जाता है, और कॉटन सीड एडिबल कैटेगरी में नहीं आते भैया, उसमें इतना सारा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और वो म्यूटेशन उसमें ऑलरेडी बायोलॉजिकल उसमें चेंजेस किए गए हैं, तो बड़ा डेंजर है, काहे को उसमें पड़ना है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था सीजन की वजह से, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों होते हैं ये प्रॉब्लम एसिडिटी के। नहीं तो आप कहेंगे कि भैया हम हर दिन योग अभ्यास करते हैं, सब कुछ करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार फॉलो करते हैं, फिर भी हमें बीमारी काहे होती है, ये छोटी मोटी गलतियों से होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, खुश है ना आप सभी लोग, खुश रहिए। ऑलराइट, तो ये था शरद ऋतु, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता है, जो भारतीय त्योहार होते हैं ना, जो हमारे त्योहार है, वो भी इसी के अनुसार प्लान किए गए हैं कि आपको कब फास्टिंग करनी चाहिए, कब आपको पित्त शामक आहार करना चाहिए, पित्त को कम करने वाला, और कब आपको बल्यकर यानी ताकत बढ़ाने वाला आहार, याद कीजिए वो दिवाली के दिन, दिवाली के बाद क्या होता है, लड्डू वगैरह स्वीट स्वीट होते हैं, क्यों होता है, स्वीट्स जो मधुर रस है ये धातु पोषण करता है, और उस समय अग्नि यानी हमारी डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होती है, इस कारण से वो ऋतु में वो आता है। ये भारतीय त्योहारों का बड़ा इंपॉर्टेंस है भैया, इसमें भी आपकी सेहत को मेंटेन रखने में। देखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसिडिटी, ये अभी देखते हैं अगला पिक्चर क्या क्रिएट कर सकता है। तो इसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन यानी उपद्रव, अगर इसे ठीक नहीं किया गया या लंबे समय तक एसिडिटी चलती है तो ये क्या परिणाम करती है। हिकअप्स यानी बार बार हिचकी आना, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना, कुछ भी खाया तो बिल्कुल गिर जाना, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें सूजन आना, अल्सर होना, चेस्ट पेन रहना, हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखते हैं, ईसीजी निकालोगे उसमें भी वेरिएशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे, लेकिन बाकी बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट आएगी सारी।
ठीक है, अल्सर्स हो जाएंगे, अल्सर को ट्रीट करना एक बिल्कुल डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेते भैया, बड़ा संभल कर ट्रीट करना पड़ता है, बहुत लंबा समय जाता है ना। ये ऐसे आईबीएस नाम का प्रॉब्लम है, आईबीएस नाम का प्रॉब्लम तो बिल्कुल एकदम बालों से पकड़ कर खींच खींच कर पीटता है, ये ऐसा प्रॉब्लम है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये ऐसी भयंकर से भयंकर बीमारियां होती है, स्ट्रेस, इरिटेशन और ना जाने क्या क्या हो सकता है। माइग्रेन की समस्या, ये भी एसिडिटी से जुड़ी है, जिनको माइग्रेन है उनके लिए भी ये जो आज मैं रेमेडीज बताऊंगा वो भी पावरफुली यूज होगी। ठीक है, 80% माइग्रेन की केसेस में एसिडिटी कारण होता है। ठीक है, अल्सर्स होना, इन जनरल आपका मेंटल लेवल भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्रॉनिक कफ भी होता है। कफ मतलब खांसी, कितनी दवाई ले रहे हैं, कितना एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कितना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, फिर भी खांसी नहीं कम हो रही। अरे भैया, आपका एसिडिटी इतने लंबे समय से चल रहा था तो इसके कारण आपको कफ हुआ है, क्रॉनिक ड्राई कफ होता है, ड्राई भी होता है, वेट भी हो सकता है ना, गले में खराबी हो सकती है, वर्क एफिशिएंसी कम होती है। अभी ये वर्क एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। वर्क एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, जैसे एक कार्य करने के लिए मैं इजीली एक कार्य खत्म कर सकता हूँ 4 घंटे में, समझ में आया। और अगर मुझे एसिडिटी है, वो तकलीफ होती, इरिटेशन होता है, तो वही काम खत्म करने में मुझे 6 घंटे लग रहे हैं, तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत काम का स्ट्रेस है, और वो जो एक्स्ट्रा 2 घंटे है ना वो बड़े दिक्कत करेंगे, तो उसके कारण लाइफ में बड़ा स्ट्रेस आ जाएगा और मन नहीं लगेगा जॉब में ना ही रिलेशंस में। तो ये इसका असली पिक्चर है ना, ये अंदर की बात है जी इसके एसिडिटी के। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, शरीर में बढ़ा हुआ पित्त एक एक करके धातुओं को विकृत करता है और इससे धातु अनुसार लक्षण दिखते हैं। मतलब ये जो पित्त दोष है ना, धातु होते हैं, 7 धातु होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, रस, रक्त, मांस, स्मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु है ना। रस यानी जो लिक्विड कंपोनेंट है, पानी है शरीर का, वो रस धातु हम कहते हैं। तो एक एक करके एक एक को खराब करते जाता है और शरीर में कोई भी बीमारी आ सकती है। जैसे रस धातु की अगर दुष्टि होती है तो हेयर फॉल होना, पिंपल्स आना, एक्ने आना, इवन रक्त धातु की दुष्टि में भी होता है, चिड़चिड़ करना, बार बार डिहाइड्रेशन होना, गला सूखते रहना, स्किन प्रॉब्लम होना, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। रक्त धातु की दुष्टि के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप धातुओं को विकृत करके वो परिणाम करते हैं। अभी बहुत हुआ इसका महत्व बताना, आशा करता हूँ इससे आपको अर्जेंसी समझ आई होगी इस प्रॉब्लम की। अभी आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े बहुत चीजें जानते हैं। और इसीलिए एसिडिटी के समय सबसे घातक और कॉमन रोग है, एसिडिटी आज के समय का सबसे घातक और कॉमन रोग है, आज की दिनचर्या और खान पान इसे बढ़ावा देते हैं। क्लियर है। इसके अलावा हेल्दी फूड से संबंधित मिसकंसेप्शन, जैसे रेगुलरली कच्चा खाना, मतलब बहुत सी गलत फहमियां होती है कि कच्चा खाने से, नहीं कच्चा नहीं खाना चाहिए भैया, अभी नहीं पचता है, इतना डाइजेशन हमारा नहीं है कि कच्चा पच जाएगा, तो कच्चा नहीं खाना चाहिए, प्रॉपरली कुक करके खाना चाहिए। दही खाना, बहुत सी घरों में हर दिन दही खा जाता, दही के गुण इतने अमेजिंग है, लेकिन आज डाइजेस्ट नहीं होता है जनाब, वो दही नहीं डाइजेस्ट होता है डेली, तो इसीलिए आपको दही डेली नहीं खाना चाहिए, वंस इन अ वाइल बेस्ट रहता है, दही आपको आफ्टरनून में खाना चाहिए। नींबू पानी पीना, मतलब हर दिन नींबू पानी ले रहे हैं, हर दिन दही खा रहे हैं, हर दिन कच्चा खा रहे हैं, आदि कारणों से लंबे समय तक शरीर में रहकर भयंकर रोग का कारण बन सकती है, समझ में। ये मिसकंसेप्शन होता है। एक मेरी पेशेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो इंडियन ही है, तो उन्होंने ये लगभग 10 साल तक ये चीजें की है, कच्चा खाना, हर दिन नींबू पानी पीना, उनको किसी ने बताया था, बहुत से रील्स आते हैं यूट्यूब पर वगैरह, तो उनको सीवियर पेन होने लग गया चेस्ट में, चेस्ट के नीचे थोड़ा सा एकदम सीवियर पेन, बहुत ट्रिमेंडस पेन रहता है, तो उन्होंने सभी टेस्ट करवाई, सारे स्कैनिंग वगैरह कराए, और वो हॉस्पिटल में काम करते तो उनको इजी एक्सेस होता था टेस्ट का, तो पेन नहीं जा रहा था, पेन किलर से भी पेन नहीं जा रहा था, लेकिन जब वो मेरे पास है हिस्ट्री लेने के बाद ये बताया उनको, तो उनको तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये चीज बिल्कुल गलत होती है। विद इन 15 डेज उनका पेन जो है 30% रिलीफ हो गया, 5-6 साल पहले का पेन था, 30% रिलीफ उनके लिए बहुत था, फिर आगे आगे धीरे धीरे कम होता गया। तो कहने का उद्देश्य है कि केवल इन चीजों को हटाने मात्र से भी बहुत सा रिलीफ आता है, इसे निदान परिवर्जन हम कहते हैं। एसिडिटी होने पर एंटी एसिड या आइसक्रीम सोडा लेकर उसे दबा देना, बहुत बार होता है ना एसिडिटी हो गई उसको दबा दो, दबाना नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम उपाय जानेंगे, रेमेडी जानेंगे। जड़ से खत्म करने के लिए लाइफस्टाइल और फूड में बदलाव ना करना, अगर आपको एसिडिटी है और आप बदलाव करना ही नहीं चाहते,
एक हमारे रिलेटिव है, उनको इतनी एसिडिटी होती है कि बिल्कुल एंजाइटी होती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं रात में। वो वाइफ को बोलते हैं कि अकाउंट डिटेल बता देते हैं, किसके पास कितना पैसा है वो बता देते हैं, और बोल देते हैं कि अभी बेटी को अच्छा ध्यान रखना। तो इतनी जबरदस्त एंजाइटी, फिर उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनको जॉब का पूछते हैं सभी लोग, तो जॉब उनका ऐसा है कि बहुत से टाइमिंग का, तो वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते। तो ये प्रॉब्लम, एंजाइटी के साथ रहना चाहते लेकिन जॉब नहीं छोड़ना चाहते। देखिए, अगर उनका पैकेज अभी 10 लाख का है तो हो सकता है 5 लाख का हो जाए, लेकिन वो 5 लाख के लिए बहुत बड़ा जो परिणाम है उनके शरीर पर हो रहा है वो नहीं समझते। तो ये आपको याद रखना है, छोटी मोटी चीजें होती है भैया, सेहत पहले आती है बाद में बाकी चीजें। आयुर्वेद शास्त्र में इसके सबसे ज्यादा डीप स्पेसिफिक और एक्यूरेट ट्रीटमेंट के लिए मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थेरेपी, थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ यहां तक चीजें समझ आ रही है। अगर यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है, तो आप मुझे यस कह सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं यस। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू, मैं समझ गया आपके इशारे में, समझ गया। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे थेरेपी की ओर, कि क्या कर सकते हैं एसिडिटी में। देखिए, एसिडिटी को और अमेजिंग तरीके से समझने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया है। लेकिन पहला रूल किसी भी बीमारी का, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए किसी भी बीमारी का पहला रूल होता है निदान परिवर्जन, यानी कारण को नष्ट कर दो। कारण को पहले हिस्ट्री लो, खुद की हिस्ट्री लो, आपके पेशेंट्स की हिस्ट्री लो, कि भैया क्या है, आप दिन भर में क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग टू स्लीप आप क्या करते हैं। तो उसमें ऐसा कोई ना कोई चीज होगा, हो सकता है वो चाय में अदरक डालते पीते हैं। कितने सारे लोगों की एसिडिटी के परिणाम केवल चाय का अदरक बंद करने से आता है। चाय में अदरक डालना अच्छी बात है नहीं है, इसका जवाब आपको इससे मिलेगा कि पैरासिटामोल हर दिन खाना अच्छी बात है या नहीं है। डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या पैरासिटामोल बुरी चीज है? नहीं। और इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर पैरासिटामोल बुरी चीज नहीं है तो हर दिन खानी चाहिए, नॉट एट ऑल। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जैसे कफ होता है, बहुत बार कंजेशन है, तो उस समय चाय में अदरक डालकर पीने से रिलीफ होता है, दैट्स गुड, वो मेडिसिनल है। मेडिसिन हर दिन थोड़ी ना ली जाती है, केवल उसकी टेस्ट अच्छी है इसलिए। तो आपको याद रखना है भैया, हर दिन आप चाय में अदरक मत लीजिए, वो बहुत गले में परिणाम, गले में नहीं, एसिडिटी का परिणाम करेगा, और ऐसी धीरे धीरे विकृति बनाएगा, फिर उसका कारण भी नहीं पता चलेगा। बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि सर जी मेरा बिल्कुल डाइट हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट्स खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, चाय में अदरक डालते हैं, यस डालते हैं। अरे भैया, प्रॉब्लम वही से शुरू हो रहा है। आपको छोटी छोटी बात, एक हाथ बार ठीक है, जब मैं आपके यहाँ आ जाऊं तो आप मुझे जरूर पिला सकते हैं चाय में अदरक डालकर, और मैं भी पिलाऊंगा आपको, लेकिन हर दिन घर में मत पिलाइए भैया, है ना। तो इससे थोड़ा सा देखिए, रक्त दुष्टि हो सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, और जैसे अभी शुरुआत में, सेशन के शुरुआत में डिस्कशन हुआ था हीट का, है ना, सभी जगह गर्मी बढ़ रही है, ऑलरेडी वातावरण में गर्मी है, और अंदर भी आप गर्मी करेंगे तो कैसे चलेगा। ऑलराइट, तो ये निदान परिवर्जन मतलब पहले कारण को नष्ट करो। जब तक कारण को नष्ट नहीं करोगे ना, तो अगेन वो गंदा पानी आता जाएगा शरीर में, और आप शरीर की शुद्धि चाहोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो पहली बात है निदान परिवर्जन, उसके बाद जानते हैं नेक्स्ट। थेरेपी को ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है खाली पेट एसिडिटी, एक है भरपेट एसिडिटी। एक क्या है, खाली पेट वाली एसिडिटी, और एक है भरपेट वाली एसिडिटी। तो दोनों का अंतर मैं बताता हूँ। खाली पेट एसिडिटी में क्या होता है, मेनली पित्त और वात बढ़ा होता है। मतलब इनको क्या होता है कि कोई ब्रेकफास्ट स्किप किया, भोजन नहीं किया, या थोड़ा लेट हो गया, तो इनको सहा नहीं जाता। मतलब ये कहते हैं कि अगर मुझे भूख लगी और खाना नहीं मिला ना, तो मुझे सहा नहीं जाता है, बहुत तकलीफ होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। जलन होने लगेगी, खट्टा पानी आने लगेगा, है ना, वीकनेस महसूस होगा, एंजाइटी होगी, हाथ पैर थरथराने भी लग सकते हैं, तो उसके कई लेवल है। तो ये पहला है कि वात और पित्त इसमें बढ़ा रहता है, तो ये खाली पेट वाली एसिडिटी कहते हैं। उसके बाद इस एसिडिटी में ठंडा दूध या कुछ ठंडा खाने से राहत मिलती है। कैसे पता चलेगा जनाब एसिडिटी खाली पेट है या भर पेट है? ये केवल नाम के लिए, ठीक है। इसके कैसे जानते, इसके कुछ तरीके आपको यहां पर मेंशन किए गए। तो अगर कुछ नहीं खाने को मिला तो तकलीफ होती है, तो समझ जाइएगा खाली पेट है। और भी कंफर्मेशन के लिए आगे है, अगर कुछ ठंडा खाने से या दूध पीने से अच्छा लगता है तो खाली पेट एसिडिटी है। क्लियर है? बहुत बार लोग कहते हैं दूध पीने से एसिडिटी में राहत मिलती है, आधा सच है। दूध पीने से एसिडिटी बढ़ भी सकती है, तो उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कौन से तरह के एसिडिटी, इस पर निर्भर करता है। आयुर्वेद में सारी ट्रीटमेंट गुणों से होती है। गुणों से यानी कौन सा गुण बढ़ाए, उष्णता बढ़िए यानी हीट बढ़ाए, लिक्विड बढ़ाए, है ना, यानी द्रव गुण बढ़ाए, तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट होती है। तो आगे पढ़ेंगे हम, मैं पूरा आपको ये साइंस नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर दे पाऊंगा कि
कि जो आप घर में ले जाकर आज से ही अपनी और अपने प्रियजनों की जरूर मदद कर सकेंगे। तो तीसरा है, थोड़ा भी तीखा या मसाले जैसे दालचीनी खाए तो तकलीफ होगी, इसे कहते हैं खाली पेट एसिड। थोड़ा भी इनके खाने में तीखा आ गया, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, ये चीजें आ गई। पर मिर्च तो है ही भैया, मिर्च तो राजा है इसका, है ना, रानी है तीखे चीजों में। जागरण चिंता के कारण एसिडिटी अगर होती है तो, है ना, मतलब अगर जिनका जागरण हुआ है, चिंता हुई है, तो वो भी खाली पेट में हम कंसिडर करते हैं। अगर किसी का जागरण होता है, स्ट्रेस के कारण एसिडिटी होती है, क्षुधा वेग धारण करने से, मतलब मील स्किप कर दिया, बहुत बार होता है ना, घर में जो महिलाएं हैं वो काम करते रहती है और फिर भूल जाती है ब्रेकफास्ट करना, भूख लगती है फिर भी काम के चलते उसको काम पूरा कर लेते हैं फिर खाएंगे, वैसा होता है, तो वो मील स्किप करने से भी एसिडिटी होती है। मसालेदार भोजन करने से जो एसिडिटी हो, मेडिसिन कीमोथेरेपी के कारण जो, देखिए कीमोथेरेपी जब चलती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, तब ये हीट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, उष्णता, उसमें भी ये थेरेपी कमाल की काम करेगी। और ये जो चीजें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये 100% मैंने ट्राई की है सभी अलग अलग तरह के पेशेंट्स के ऊपर, चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे लीवर के डिसीज के साथ हो, मतलब केवल एसिडिटी नहीं, एसिडिटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हार्ट पेशेंट है, ब्रेन डिसऑर्डर है, कोई नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, हर एक एज ग्रुप में भी इस प्लान को ये किया है, ट्राई किया है, तो आप बिंदास होकर इसको, हाँ मैं जरूर बताऊंगा कहाँ पर आपको ये करना है। यहाँ पर जो भी चीजें बताई जाएगी, ये इसमें से एक भी चीज प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं है, याद रखिएगा कि कोई भी चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इसमें से कोई भी नुस्खा या कोई भी चीज ये प्रेगनेंसी में एप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो प्रेग्नेंट लेडी आई और उनको आपको उपाय बताएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ कर सकते हैं उपाय, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर अलग तरह का आपको प्रिकॉशन लेना होता है, लेकिन बाकी के सारी जनता के लिए बिल्कुल यूजफुल है। उसके अलावा सिम्टम्स लाइक ब्लीडिंग, अल्सर, हाथ पैरों में जलन, आंखों का प्रॉब्लम, हेयर फॉल होना, ये भी खाली पेट एसिडिटी के अंडर आता है। ठीक है, मतलब जलन हो रही है, अल्सर जैसे होता है ना, किसी को मुंह में छाले आ जाते हैं, पेट में छाले होते हैं, पेट में अल्सर होते हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो है आप समझ जाइएगा खाली पेट है, एसिड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है। हॉट स्पाइसी ड्राई फूड खाने से, है ना, ड्राई फूड है मतलब रूखा सूखा खाना जिसमें घी नहीं है, और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि घी खाने से वजन बढ़ता है, भैया घी से वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से। बहुत बार अभी ज्यादातर लोगों का क्या कंसर्न होता है कि मेरा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वजन याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट से बनता है ना कि घी से। आप अगर कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो गेहूं की चीजें होती है, मैदे की चीजें होती है, या बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, उनका कंजम्पशन कम कर दो, वजन कम करने के लिए मदद होगी, क्योंकि फैट भी उसी से बनता है अंत में। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका डाइजेशन होकर शुगर बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो गेहूं की चीजें समझ लीजिए, सारी गेहूं जाव की चीजें, तो वो जो चीजें हैं वो शुगर में कन्वर्ट होती है। शुगर अभी हम खाते ही इतना है जितनी जरूरत है, उससे बहुत ज्यादा खाते हैं, तो जितना शरीर को जरूरत है उतना ग्लूकोज, शुगर या ग्लूकोज यूज किया जाता है, बाकी का लीवर में स्टोर्ड होता है। अभी ये लीवर में जो स्टोर रहता है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अभी आप उपवास ही नहीं कर रहे हो भैया, खाली नाम का उपवास कर रहे हो, उपवास में भी खाते जा रहे हैं, तो ये जो स्टोर किया गया ये कब यूज होगा, ये यूज ही नहीं होता है। फिर इसका कन्वर्जन फैट में होता है, ट्राइग्लिसराइड में होता है, फिर हम कहते हैं कि कुछ फैट नहीं खाया फिर भी फैट बढ़ गया, हमारे भोजन में तो कोई फैट नहीं होता है, बिल्कुल कम ऑयल यूज करते हैं, घी भी नहीं यूज करते। अरे भैया घी से वजन नहीं बढ़ता, घी से फैट नहीं बढ़ता, फैट बढ़ता है शुगर से, शुगर कम करो, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चीनी तो कम ही करना है, लेकिन कार्ब्स जो गेहूं वाली चीजें, बिस्किट, मैदा, बाहर की कोई भी चीज शुगर के बिना, ये कार्बोहाइड्रेट के बिना तो बनी नहीं सकती, सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप समझ लीजिए किससे वजन बढ़ता है। क्लियर है? ऑलराइट, ऐसा लगता है कि बस इतनी सारी चीजें बताते रहो लेकिन उतना ग्रास्प नहीं हो पाएगा, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ है, ये शास्त्र ही ऐसा है कि इसमें बस इसी लेक्चर को आप बार बार सुनेंगे तो हर बार कुछ नया मिलेगा, ये इस शास्त्र का कमाल है। कोई भी भारतीय शास्त्र, वेदों का जो भी है, उसका कमाल ये होता है कि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया लगेगा। दूसरा है भरपेट एसिडिटी, भरपेट एसिडिटी का लक्षण क्या होता है, इसमें मेनली कफ और पित्त बड़ा होता है,
ठीक है, ये जो है ठंडा दूध या कुछ ठंडा खाने से ये एसिडिटी बढ़ती है। देखिए दूध से एसिडिटी कम नहीं होती हमेशा, केवल खाली पेट वाली एसिडिटी दूध से कम होगी, ये वाली एसिडिटी दूध से बढ़ती है भैया, भरपेट एसिडिटी दूध से बढ़ती, कुछ खाए तो तकलीफ होती है इसमें। मतलब इनको हमेशा डर रहता है खाने का, अरे भैया भोजन का समय हो गया अभी एसिडिटी, पहले एंटा एसिड ले लेते हैं ना, पहले एंटा एसिड लेकर रेडी रहेंगे। अति भोजन के कारण जो एसिडिटी होती है मेनली अपाचन का केस है, इनडाइजेशन का केस है ना, मतलब अपाचन हो रहा है, आपने ज्यादा खा लिया भैया, भारी भरकम चीजें खा रही, ज्यादा स्वीट्स वगैरह खा लिया, तो जो अपाचन होता है उसके कारण जो एसिडिटी होती है। अति गुरु, गुरु यानी जो डाइजेस्ट होने के लिए भारी है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं मधुर यानी स्वीट्स, ठंडी चीजें ज्यादा खाने से जो एसिडिटी होती है, मलवेग धारण करने से यानी मोशन के लिए प्रेशर आया है, टॉयलेट जाना है लेकिन जा नहीं रहे आप, मुख में खट्टा पानी अगर आता है तो ये भी कैसी एसिडिटी है, भरपेट वाली एसिडिटी। ठीक, स्ट्रॉन्ग बैड ऑडर ऑफ स्टूल यूरिन स्वेट। वैसे देखिए जो शरीर के मल होते हैं, मल यानी शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट, स्वेटिंग होती है, यूरिन होता है, स्टूल होता है, जो भी है, तो इनका ऐसे स्ट्रॉन्ग बैड ऑडर नहीं आता है नेचुरली, लेकिन अगर इंडाइजेशन है तो डेफिनेटली मुख से भी बैड ऑर्डर आने लगता है, बॉडी का भी ऑर्डर बैड आने लगता है, गंदा स्मेल आता है बॉडी का भी, कभी कभी इतना गंदा आता है कि जिस रूम में वो व्यक्ति है उस रूम से वो निकल भी गए तो उस रूम में दूसरा व्यक्ति जाने पर उनको लगता है कि या भैया ये रूम में कुछ तो भी बड़ा, मतलब बड़ा गंदा स्मेल है। तो ऐसा जो बैड ऑर्डर आता है, समझ जाइएगा कि भैया हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि आपका लीवर अभी तरसने वाला है, आगे जाकर तुरंत आपको फास्टिंग करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए। और अपाचन इतनी भयंकर बीमारी होती है, बड़ी कुछ भी, आयुर्वेद में कहा है कि मंद अग्नौ सर्व रोगे का कारण, अपाचन से सभी रोग हो सकते हैं, एवरी बीमारी मतलब एवरी डिजीज, सारी की सारी बीमारियां केवल अपाचन से हो सकती है। तो अपाचन को सामान्य नहीं समझना है भैया, ठीक है। सबसे पहले हाँ, तो अभी उनकी प्रॉपरली आपको केस स्टडी लेनी है, समझना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा गायन ये कब से हुआ है, तो इसे ये समझ में आता है कि सीजन में हुआ है ना, तो ये समझ जाइए कि उनको कहीं बाहर से शादी वगैरह से कुछ बड़ा खाकर आए हैं, बड़ा मतलब भारी भोजन करके आए हैं, और उसके बाद ट्रैवलिंग की है और वो एसिडिटी वगैरह हुई है, तो इन चीजों से ये प्रॉब्लम संभवतः होती है। ठीक, चलिए जानते हैं इंस्टेंट रेमेडीज के बारे में, क्या क्या इंस्टेंट रेमेडीज हम ले सकते हैं। ठीक है, खाली पेट अगर एसिडिटी है और केवल उष्ण गुण बढ़ाओ, मतलब उष्ण गुण यानी गर्म, उनको जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, इसे कहते हैं उष्ण गुण, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है गले में, पेट में, चेस्ट में, बर्निंग सेंसेशन है, तो उस केस में 1 कप ठंडा दूध मिश्री के साथ लेना है, 1 कप ठंडा दूध मिश्री के साथ लेना है, आधा कप भी ले सकते हैं, उससे तुरंत राहत देने में मदद होती है। ठीक है, दूसरा उपाय है मुखवास का, ये कैसे बनाना है मैं आपको समझाता हूँ। ये मुखवास एक ऐसी रेमेडी है जो ऐसा फॉर्मुलेशन है, ये इतना जबरदस्त काम करता है, मेरे कई स्टूडेंट मुखवास बनाकर सेल करते हैं, बेचते हैं, इतना पावरफुल है, मतलब एक अभी बेचेंगे कब, जब लोग डिमांड करेंगे तो इतनी डिमांड रहती है इसकी। तो मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत आसान, बहुत ही आसान। 100 ग्राम सौंफ लेनी, रोस्ट करना है और बारीक करनी, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, याद रखिएगा, मुखवास ट्रिमेंडसली बेनिफिशियल है, इनडाइजेशन में, एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में, कमाल का काम करता है और बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है। सौंफ 100 ग्राम लेनी है, रोस्ट करनी है, तवे के ऊपर रोस्ट करनी है और बारीक करके रखना है, ठीक है, पाउडर बनाना है उसका। 100 ग्राम धनिए के सीड्स लेने हैं, धनिया होता है कोरिएंडर सीड्स, धनिए के बीज, उसको रोस्ट करके बारीक कर लेना है, सेपरेट, सारी चीजें सेपरेट, 5 चीजें हैं केवल इसमें। नेक्स्ट लिखेगा 50 ग्राम, 50 ग्राम आंवला चूर्ण लेना, मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, आंवला जो होता है आंवला फल, उसका चूर्ण मिलता है, आंवला चूर्ण, आंवला चूर्ण 50 ग्राम, उसको गर्म नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो रेडीमेड पाउडर है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना। चौथी चीज है मुलेठी चूर्ण, मुलेठी जिसे मराठी में ज्येष्ठ मधु कहते हैं, यष्टि मधु कहा जाता है, इंग्लिश में लिकोराइस कहते हैं, तो मुलेठी चूर्ण मिलता है मार्केट में, रेडीमेड मिल जाता है आयुर्वेदिक स्टोर में, मुलेठी चूर्ण लेना है 25 ग्राम,
मुलेठी चूर्ण कितना लेना है? 25 ग्राम। और अंतिम है जीरा, जीरा लेना है 25 ग्राम। 25 ग्राम जीरा घी में रोस्ट करना है और बारीक करना है। जीरा जो है घी में रोस्ट करना है और बारीक कर लेना है, एकदम थोड़ा घी, थोड़ा ही घी डालना है। इसमें केवल तीन चीजें हमने रोस्ट की है, जीरा, सौंफ और धनिया। सबको सेपरेटली रखना है भैया, और फिर मिक्स करने का तरीका क्या है, एक बार बनाकर रखना है भैया, पूरे फैमिली का हेल्प हो जाएगा। और बहुत अच्छी रेमेडी है, एंटा एसिड लेने का काम नहीं पड़ेगा। बार बार कोई इनडाइजेशन हो गया, चूर्ण, ये चूर्ण है भैया सबका साथी है, बच्चों से लेकर ओल्ड एज में सभी उपयोग कर सकते हैं। कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, ये भी बताऊंगा। अभी मिक्स करने का तरीका क्या है, तो जैसे आपने पहले लिया सौंफ का पाउडर, ठीक है, उसमें फिर धीरे धीरे ऐड करते जाना है धनिया का पाउडर, फिर उसको मिक्स करते जाना है। अगर आपके पास वो बत्ता है, जो खल बत्ता है, उसको खल जो कहते हैं, उससे प्रॉपर आयुर्वेद में जैसे किया जाता है मिक्स, उसमें मिक्स करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कीजिएगा आंवला, फिर फोर्थ इंग्रेडिएंट ऐड कीजिएगा, मिक्स करते जाना है, मिक्सचर आपका चलता रहेगा, और फिर अंतिम जीरा पाउडर। तो ये प्रॉपर मिक्सचर होने के बाद, सारा फिक्स मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून लेना है दिन में 3 बार भोजन के बाद। 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच भर के दिन में 3 बार लेना है भोजन के बाद। एक बार आप ट्राई कीजिएगा और फिर देखिएगा कमाल क्या होता है, मुखवास का कमाल। और यही मुखवास अगर आप मिश्री और घी के साथ लेते हैं, थोड़ा सा मिश्री, जो रॉ शुगर होता है, कैंडी शुगर जिसे कहते हैं, रॉक शुगर या कैंडी शुगर, उस शक्कर में अगर आप मिश्री और ये घी के साथ लेते हैं, तो ये एंटासिड से भी ज्यादा बेटर है, उतना ही इफेक्ट देगा। और एंटासिड का इफेक्ट होने में लगभग 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, इसका नहीं लगता जी, इंस्टेंट, तुरंत, जैसे जैसे अंदर जाएगा, जो लेंगे वो खुद कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि मुझे एसिडिटी नहीं हुई तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा इफेक्ट करता है मेरे बॉडी पर, लेकिन जो स्टूडेंट ने बताया, जो ये पेशेंट्स ने बताया, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अंदर जाता है वैसे वैसे ठंडक महसूस होती है, इतना पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद केवल घी और मिश्री ले सकते हैं, घी के साथ मिश्री खा सकते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय है। हाँ, ये उपाय तो बस भैया प्रभु की देन है, ऐसा समझ जाइएगा। ये उपाय कमाल का है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने भी कहीं पढ़ा है, तो ये बस समझ जाइएगा, जहां से भी पढ़ा है उनको तो मैं बहुत बार धन्यवाद देता हूँ कि ये उपाय बड़ा कमाल का है। क्या करना है, ठंडा पानी लेना है, चिल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल पानी, घड़े का पानी या मटके का जो पानी होता है, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल, उसको मुख में भर लेना है। इसे गंडूष कहा जाता है, इतना भर लेना है कि आप उसको हिला ना सके, गार्गल नहीं करना है आपको, माउथ में जो है पानी बिल्कुल भर लेना है, एकदम बजरंग बली। 30 सेकेंड होल्ड करना है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड होल्ड किया और धीरे धीरे उसी पानी को सिप सिप करके पीना है, एकदम धीरे धीरे उसी पानी को पीते जाना है, क्लियर है ये। एवरी सिंगल डे 2 टाइम कीजिए, खाली पेट, सुबह शाम खाली पेट कीजिए, और फिर इम्पैक्ट देखिए एसिडिटी का। मेरे एक पेशेंट है जिनको कितनी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी, डाइट दिया, असर नहीं हो रहा था इतना जितना चाहिए उतना, अक्सर 10 से 15 दिन में असर आ जाता है, बीमारी में काफी राहत मिलती है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था, उनका माइग्रेन इश्यू था, बहुत जबरदस्त हेडेक। ये उपाय करने से उन्होंने कहा कि यही उपाय करने से हेल्प मिली, तो इतना पावरफुल है। जो सलाइवा है ना हमारी, ये अल्कलाइन होती, एसिड के अपोजिट अल्कलाइन है ना, अल्कली, तो ये अल्कलाइन पीएच की वजह से, जो वाटर का हम इस तरह से कर रहे हैं मूवमेंट, मूवमेंट नहीं, जो होल्ड कर रहे हैं, फिर उसे सिप सिप करके पी रहे हैं, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही यूजफुल तरीका। ऑल राइट, चलिए बढ़ते आगे, खुश तो है ना सभी लोग, स्माइल करते रहिए, हम आगे बढ़ेंगे, आपकी मुस्कुराहट हमें मोटिवेट करती है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अनार का रस। अनार ऐसा अमेजिंग ये फ्रूट है, चलिए अनार का कुछ गुणगान गा ही लेते हैं। ऐसा फल आया जादुई और उसका गुणगान ना गाए, कैसी बात। बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी हॉस्पिटलाइज पेशेंट से मिलने जाते हैं, कभी हमारे दोस्त है, रिलेटिव है, उनसे मिलने जाते हैं, तो अक्सर फल लेकर जाते हैं। कौन से फल लेकर जाते हैं? अंगूर, एप्पल, जो कि नहीं ले जाने चाहिए, आपको ले जाना चाहिए
अनार क्या ले जाना चाहिए? आपको पोमेग्रेनेट लेकर जाना चाहिए। पोमेग्रेनेट एक ऐसा फल है जो औषधि द्रव्यों में नहीं आता है, मतलब आयुर्वेद में डिवीजन है औषधि द्रव्य और आहार्य द्रव्य, मतलब जो भोजन के लिए हम यूज करते हैं और कुछ मेडिसिनल होते हैं, जैसे आंवला मेडिसिनल है। अनार जो है, पोमेग्रेनेट जो है, ये मेडिसिनल नहीं है, लेकिन किसी मेडिसिन से कम नहीं है। अनार पित्त शामक भी है, पोषक भी है, डाइजेस्टिव भी है और तरह तरह के प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है और साइड इफेक्ट भी नहीं। केवल कॉन्स्टिपेशन में अनार नहीं देते, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो केवल अनार नहीं देते, लेकिन बाकी सभी प्रॉब्लम में अनार का रस हेल्पफुल रहता है। क्लियर है? अभी अनार का रस इस केस में आपको उपयोग करना है, ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है रिलीफ देने के लिए। अभी जो चीजें आपको बताई, इससे आप एक अमेजिंग डाइट प्लान बना सकते हैं, और ये डाइट प्लान केवल मैनेजमेंट वाला नहीं, थेराप्यूटिक यानी ठीक करने वाला डाइट प्लान बना सकते हैं, उसका भी गाइडेंस करता हुआ। या कोकोनट वाटर पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं एसिडिटी में, बनाना खा सकते हैं जो ये है, केला जो है ये भी अच्छा है एसिडिटी में, एप्पल भी अच्छा है, ठीक है, एप्पल भी एसिडिटी कम करता है, लेकिन बहुत से लोग को नहीं करता है क्योंकि वो अलग देश से, अलग देश यानी प्रदेश, नहीं तो आप समझेंगे सर जी हमारे भारत, अरे देश मतलब एरिया, जैसे आप अगर गुजरात में हैं तो एप्पल गुजरात में थोड़ी ना आता है, तो आपका देश, देश आयुर्वेद में कहा है कि जिस प्लेस पर आप रहते हैं, जो एक कन्फाइंड वेदर जो वहां का होता है उसे हम देश कहते हैं, ठीक है, यानी प्लेस। तो अगर आप अलग अलग प्लेसेस के फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा सूट नहीं करते, और आयुर्वेद में उसे ज्यादा बार ना ही खाने के लिए कहा है। तो ये चीजें तो बनाना एक अच्छा है, समझ में आए? इंस्टेंट रेमेडीज, कोई एंटा एसिड लेंगे इसका अगली बार से? नहीं लेंगे ना। चलिए अभी एक आपके लिए एक ऐसा उपाय बता देता हूँ, इसके बाद बस प्रभु का धन्यवाद दे दीजिएगा कि हमारे देश में आयुर्वेद की ऐसी हमें महान संपदा दी है। बहुत से लोगों को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होता है, स्पेशली लीवर के डिसीज में होता है, या फिर एसिडिटी में भी होता है, बार बार खाना ऊपर आता है, एसिडिटी वॉमिटिंग होता है, नाना तरह के प्रॉब्लम। एक उपाय है कमाल का, पुदीने के पत्तों का रस निकालना है 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच पुदीने के पत्तों का रस निकालना है और हर 2 घंटे में पीना है, every 2 hours, हर 2 घंटे में, दिन में 6 बार पीना है। फिर देखिएगा जो वॉमिटिंग नौसिया हो रहा है, जो एसिडिटी बार बार बढ़ रही है, उसमें कैसा रिजल्ट आता है। जब मैंने आयुर्वेद के कोर्स में पढ़ाया स्टूडेंट को, तो तुरंत एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेरे बेटे को अभी कमाल की वो एसिडिटी और वॉमिटिंग हो रहा है, उसका वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, उन्होंने वो सारा ऑन्डेंसेट्रॉन जो टैबलेट होती है वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए, एंटासिड होता है, वो भी लिया है, और वो उपाय उन्होंने किया और दूसरे दिन थैंक यू का मैसेज आया, सर इससे ये वॉमिटिंग स्टॉप हो गई और शांति से सो पाया है। ये कमाल का है पुदीने के रस का उपाय, एब्सोल्युटली सेफ। देखिए एसिडिटी कम करने के लिए काफी अन्य उपाय भी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट, इसलिए मैं आपको उसका उपयोग बिल्कुल बता ही नहीं रहा, मतलब ऐसे ही उपाय बता रहा हूँ जिसको आप फ्रीली बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक यूज कर सकते हैं, केवल बच्चे होते उनको आधी क्वांटिटी में करना होता है ना, बड़ों को हम 1 टीस्पून ले रहे हैं तो बच्चों को 1/2 टीस्पून देना है, 2 ड्रॉप से काम हो जाएगा बच्चों का। क्लियर है? बड़ों के लिए थोड़ा ज्यादा। क्लियर है जी? ऑल राइट, निदान परिवर्जन इंपॉर्टेंट है जी, नहीं तो आ रहे और भोजन कर रहे हैं, भरपेट एसिडिटी है, फिर कैसे होगा? फिर कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, फिर तो एंटासिडी लेना पड़ेगा, है ना, फिर उपाय काम नहीं करेगा। नहीं तो राम सर ने इतना बताया, बड़ी बड़ी बातें की, और ये तो हुए ही नहीं, पहले निदान परिवर्जन भी है ना, पहले उपाय, पहले ये जानो कि हुआ कैसे है, उसको स्टॉप कर दो, कारण को स्टॉप कर दो। अभी वो मोबाइल देखकर बैठ रहे हैं, रात भर जागरण कर रहे हैं, उनकी एसिडिटी काहे नहीं बढ़ेगी? ये टेम्पररी रिलीफ से, उससे टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन फिर से होगी क्योंकि जागरण कर रहे हैं पहले, इसलिए कारण को नष्ट करना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, भरपेट एसिडिटी। भरपेट एसिडिटी में इनडाइजेशन की थेरेपी होती है। अभी ये इनडाइजेशन क्या है ये हमने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इसमें कुछ रेमेडीज है, जैसे 1/2 टीस्पून सूंठ लेना है, ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है, सूंठ ड्राई जिंजर पाउडर मार्केट में मिल जाता है, घी के साथ लेना है भोजन से पहले, ठीक है, घी के साथ लेना है भोजन से पहले, दिन में 3 बार, 3 टाइम्स इन अ डे। भरपेट एसिडिटी है तो पहले खाओ ही मत भैया, पहले भोजन का त्याग कर दो कुछ देर तक। वो सारा डाइट प्लान आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा कैसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं।
मुखवास, मुखवास में जो मुलेठी हमने डाली थी याद है, मुखवास की रेसिपी, मुखवास का इंग्रेडिएंट्स याद है ना सबको, याद हो जाना चाहिए। आज के सेशन के बाद मुखवास के जो पांच चीजें हैं, ये रामबाण उपाय है जी, इसमें भरपेट एसिडिटी में अगर या फिर इंडाइजेशन है उस केस में मुखवास में जो मुलेठी हमने डाली थी उसकी जगह पर सूंठ डालना। मुलेठी हमने कितनी डाली थी, 25 ग्राम, 25 ग्राम डाली है, उस जगह पर 25 ग्राम आपको सूंठ डालना है, ड्राई जिंजर पाउडर, क्लियर है। और फिर उसका मिक्सचर बनाकर आपको देना है भोजन के बाद, ठीक है। 1 कप गर्म पानी और उसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस, ये भी लेने से जो भरपेट एसिडिटी होती है या फिर भारीपन रहता है वो कम होता है। याद रखिएगा, इसमें से कोई भी उपाय खाली पेट एसिडिटी में करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगा। डायग्नोसिस बहुत क्लियर होना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत क्लियरली सामान्य भाषा में बताया है कि खाली पेट और भरपेट में क्या अंतर है। मैं रिवाइज भी कर दूंगा अभी के अभी, ठीक है। क्या बताया है कि अगर भरपेट का ट्रीटमेंट खाली पेट में करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, वर्स्ट हो जाएगा, ये साइड इफेक्ट है। नहीं तो बताया साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये साइड इफेक्ट है। डायग्नोसिस गलत तो प्रॉब्लम गलत पड़ जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते भैया, खाली पेट और भरपेट का डिफरेंस। खाली पेट यानी समझ जाइएगा कि कुछ ना खाया तो प्रॉब्लम बढ़ता है, पित्त और वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जो चिंता के कारण, जागरण के कारण, मील स्किप करने के कारण होता है, ठीक है। मसाला थोड़ा भी खाया तो प्रॉब्लम होता है। और जो भरपेट एसिडिटी होती है, कुछ खाने के कारण प्रॉब्लम हुआ है, भैया शादी में बड़ा खाया था उसके बाद से प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो ये ज्यादा स्वीट वगैरह खाने से, कोल्ड चीजें, चिल्ड वाटर पीने से वगैरह जो होती है, क्लियर है। और राइट, आगे बढ़ते हैं। मुख में अगर खट्टा पानी आता है, मुंह में अगर खट्टा पानी आता है बार बार, तो जो ब्लैक रेजिडेंस होता है, काला मुनक्का, और रोस्टेड पफ राइस यानी जो मुरमुरा होता है, लाही जो है, उसको रोस्ट कर लेना है और वो खाना है। काला मुनक्का जो है रात को भिगो कर रखना है, सुबह चबा चबा कर खाना। काला मुनक्का जो है रात को भिगो कर रखना है, सुबह चबा चबा कर खाना है। या फिर अगर अभी आपको हो रहा है तो तुरंत आप काला मुनक्का खाकर जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, या फिर रोस्टेड पफ राइस जो है ना, या फिर वैसे ही खा सकते हैं। नहीं कर सकते रोस्ट, तुरंत आपको चाहिए वैसे ही खाएंगे तो भी जो खट्टा पानी आ रहा है उसको ये सोक कर लेता है, उसको ये कम कर देता है और उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। मुंह में खट्टा पानी आए तो थोड़ा बनाना भी हेल्प करता है, लेकिन बनाना का जो है ना, कभी कभार ये किसी को नहीं सूट होता है, तो थोड़ा सा ट्राई करना है, बनाना खाकर अच्छा लगता है पूरा बनाना खा लीजिए, ठीक है। अगर मुंह में खट्टा पानी आ रहा है तो उसको कम करने के लिए केला भी हेल्प करता है। केला ज्यादा कच्चा नहीं चाहिए और ज्यादा पका भी नहीं चाहिए, नॉर्मल केला चाहिए, ठीक है, जो आपको खाने में मीठा लगे, अच्छा लगे, ऐसा केला चाहिए, ना ही ज्यादा कच्चा ना ही ज्यादा पका, ठीक है। ऑल राइट, तो ये था इंस्टेंट रेमेडीज के बारे में। ऑल राइट, आगे की थेरेपी बहुत बड़ी है जो समझने में काफी समय लग सकता है, लेकिन हाँ अभी समय आ चुका है प्लानिंग का, डाइट प्लानिंग का। अभी ये जो हम सीख रहे हैं ये केवल इंस्टेंट रेमेडीज के लिए थोड़ी ना सीख रहे हैं, हमें तो परमानेंट इलाज करना है जी। तो देखिए, आप पहले ये डायग्नोस कर लीजिए कि ये खाली पेट है या भर पेट है। तो अगर खाली पेट एसिडिटी है तो इनको भूखा रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इनको फास्टिंग करा सकते हैं, नहीं करा सकते। तो इनको भोजन करने के लिए कहना है, केवल याद रखना है कि भोजन में चाहे खाली पेट हो भर पेट हो, ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए और स्पाइसेस नहीं होनी चाहिए, फ्रेश ताजा खाना, क्लियर है। और हमारे देश की इतनी हमारा भाग्य है इस देश का कि कितने भी बड़े देश में आप चले जाइए, कितने भी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, फ्रेश वेजिटेबल मिलना बड़ा कठिन है, और हमारे देश में कहीं भी जाओ भैया, फ्रेश वेजिटेबल फल आपको मिल जाता है, ये फायदा है। बाकी के देश के पेशेंट को मैं ये नहीं कह सकता कि फ्रेश भोजन कीजिए, उनका तो ये होता है कि संडे को पूरा रेफ्रिजरेटर भर देते हैं और हर दिन वही खाते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपके घर में हफ्ते भर का आपने बना कर रख दिया, खा पाएंगे? नहीं खा पाए। तो ये हमारे देश की अच्छी बात है भैया, कोशिश कीजिए भारत में रहने की, है ना, अच्छा है, खान पान तो थोड़ा अच्छा है, सब कुछ मिल जाता है। उस देश में ट्रीटमेंट बड़ी कठिन हो जाती है, और आश्चर्य तो तब हुआ मुझे ये जानकर कि हमारे देश में जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं, बाकी के देश में इतना इजी नहीं है डॉक्टर के पास ले जाना, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उसमें भी बहुत बार वेट भी करना पड़ सकता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और जो टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स हो उसके लिए भी बड़ा तामझाम करना पड़ता है।
भैया बड़ा है हमारा भारत देश, धन्यवाद है प्रभु का कि इस देश में हमें जन्म दिया है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अभी करते हैं प्लान नवीनकृत थेरेपी। तो देखिए, जो खाली पेट एसिडिटी है, इनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रॉपरली करने के लिए कहना है। सुबह ये इनको लिखिए, नोट डाउन कीजिए। नंबर वन चीज, नंबर वन, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इनको रात भर जो सोक करके रखा था काला मुनक का, ब्लैक रेजिंस, 10-12 जो ब्लैक रेजिन है वो पानी में सोक करके रखना है, चबा चबा कर खाना है। अभी सर जी, चबा कर नहीं खाएंगे तो वैसे ही थोड़ी ना निकलेंगे। तो डिफरेंस ये है कि जो चबा चबा कर खाते हैं तो सलाइवा प्रॉपरली मिक्स होता है। सलाइवा जो है ये अल्कलाइन है, ये एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हेल्प करता है। दैट्स व्हाई अगर हम धीरे धीरे चेविंग करते हैं तो उससे वो और पावरफुल हो जाता है। और सुबह उठते ही याद है आपको, वो हमने गंडूश किया है। कौन सा गंडूश? पानी भर के रखा माउथ में, बजरंग बली बन गए, धीरे धीरे सिप सिप करके पिया। पहली तो चीज वही होगी ब्रश करने के बाद। फिर उसके बाद जो है, आपने ये मुनक्का सोख करके लिया था, उसको ये किया, खा लिया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के बाद चावल का मांड पीना है। कैसे बनाते हैं चावल का मांड? पता है राइस वाटर कैसे बनाते हैं? जितना चावल लेंगे उसके 14 गुना पानी लेना है, जितना चावल लेंगे उसके 14 गुना, 14 टाइम्स वाटर लेना है। अभी मुझे जवाब दीजिए, अगर आपने हाफ बाउल, आधा बाउल अगर चावल लिया है तो पानी कितना लेंगे? आपकी आज गणित की भी क्लास होगी। करेक्ट, 14, सॉरी 7, इसलिए 7 होगा। तो 7 बाउल वाटर आप लेंगे तो उसको कुक करना है। किसमें? कुकर में नहीं करना है, एक पॉट में करना है। और उसको कुक होने के बाद, पूरा पकने के बाद, चावल पकने के बाद केवल ऊपर का पानी, उसे मांड कहा जाता है, उसे मांड कहते हैं। उसमें घी डालना है, 1 चम्मच घी डालना है और 2 कप भरकर वो पी लेना है। अगर वो भूख नहीं है, उनको लगता है कि ब्रेकफास्ट के बाद कुछ नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, वो उस समय फिर नहीं भी पिए तो चलेगा। फिर वो बाद में थोड़ी 2-3 घंटे के बाद पी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। ठंडा होने देना है, उसमें 2 चम्मच घी डालकर पी लेना है। मैम थोड़ा सा सेशन हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यार टाइम लिमिट है कुछ। ऑलराइट मोनिका मैम, क्या हम एक्सटेंड कर सकते हैं? सर मैक्सिमम ओके, 5 मिनट्स एक्सटेंड कर सकते। ओके ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद ये चावल का मांड ले लिया, उसके बाद लंच करेंगे प्रॉपरली। लंच के बाद मुखवास लेंगे, लंच के बाद मुखवास लेंगे, मुखवास के बाद छाछ पिएंगे। छाछ ताजा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। छाछ जो है ताजा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए और विथ क्रीम होना चाहिए। जो बटर मिल्क है, छाछ बनाने की जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो ऐसी है कि जैसे दही को मंथन लगाते हैं, मंथन करते हैं आप मिक्सर ग्राइंडर में उसको ये करते हैं, तो उससे जो ऊपर मलाई आती है वो निकाल ली जानी चाहिए। या फिर बिना मलाई वाले दूध से जो छाछ बनता है, मक्खन जो निकलता है ना ऊपर का, वो निकाल लेना, दैट्स द राइट प्रोसीजर। और फिर नीचे जो बनता है वो छाछ है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए अभी, वो भरपेट एसिडिटी में चाहिए। इसमें हमें विथ मिल्क, विथ क्रीम वाला चाहिए, विथ क्रीम वाला बटर मिल्क लेना। नहीं भी पिया तो चलेगा, लेकिन मैं आपको सारी फुल ऑन थेरेपी बता देता हूँ जो है वो आप यूज कर सकते। अभी इसमें ये जो छाछ है उसमें मिश्री वगैरह डाल सकते हैं, धनिया पाउडर डाल सकते हैं, मसाला छाछ या मट्ठा बनाइए, मस्त एंजॉय करके पीजिए, है ना। तो ये छाछ हो गया, डिनर और लंच के बाद दोनों टाइम ये पी सकते हैं। अभी ये जो याद रखिएगा, बहुत बार लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि दही ठंडा है, दही गर्म है, दही क्या है? उष्ण है। दही ठंडा नहीं होता है, इतनी सारी लोगों की गलत फहमी होती है। दही जो है आयुर्वेद में कहा है कि जो भी खट्टी चीज है ये शीत स्पर्श उष्ण वीर्य होती है, यानी आप उसको जब खाएंगे तो ठंडा लगेगा, पेट में भी ठंडा लगेगा लेकिन शरीर में जाकर गर्म करेगा, ऐसा दही। तो दही समर में कम खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और छाछ भी गर्म है, रुक्ष है, ड्राई है, लेकिन कौन सा वाला छाछ? विदाउट फैट वाला, जो ओरिजिनल छाछ होता है। लेकिन यहां पर हम कौन सा छाछ यूज कर रहे हैं? विथ बटर, सॉरी विथ क्रीम, मतलब जो बनाते वक्त जिसकी मलाई नहीं निकाली गई वो छाछ हम बना रहे हैं।
पैकेट का मत लाइएगा, ताजा घर में बनाइएगा, नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। तो वो छाछ हमें चाहिए तो वो ठंडा होता है, विथ क्रीम वाला जो छाछ है वो ठंडा है, वो शीत है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमने किया। उसके बाद इवनिंग टाइम में आंवला जूस लेना है। आंवला जूस जो है देखिए बेटर रहता है कि आंवला फल खाए ताजा ताजा, या फिर जूस बनाकर भी पियेंगे तो उससे बेटर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है चल जाता है। मार्केट से मत लाइएगा कोई, नहीं है तो नहीं भी लिया तो चलेगा। शाम के समय में आप एक आंवला जूस का ऑल्टरनेटिव एक कर सकते हैं। सुबह आप धनिए के सीड्स जो है कोरिएंडर सीड्स, उसे सोक करके रखिए पानी में, 2 टेबलस्पून 2 चम्मच धनिए के सीड्स कोरिएंडर सीड जो है पानी में भिगो कर रखिए 1 ग्लास पानी में, और शाम के समय में 4 to 5 PM के आसपास वो पानी पी लीजिए, दैट्स इट। और जो धनिया उसको नहीं लेना, उसको डिस्कार्ड कर लेना है। और रात का भोजन करने के बाद अगेन मुखवास लेना है, शांति से सो जा, क्लियर है। ये खाली पेट एसिडिटी की बहुत पावरफुल थेरेपी, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसा है कि ये खत्म ही नहीं होने वाला। दूसरा जो भरपेट एसिडिटी है, इसकी भी थेरेपी सिमिलर है, बस इसमें एक ट्विस्ट, इसमें ट्विस्ट ये है कि जो भरपेट एसिडिटी के है, हाँ जो खाली पेट एसिडिटी है जो अभी हमने पढ़ा है, उसमें कभी कभार ब्रेकफास्ट में बनाना जरूर लीजिएगा, केला जो है कभी कभार ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में जरूर लीजिएगा 4 से 5 बजे के आसपास, क्योंकि ये एसिड को बहुत कम करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सी रेसिपीज होती है, लेकिन ठीक है इतना आज के लिए काफी है। और जो भरपेट एसिडिटी है उसमें याद रखिएगा, भरपेट एसिडिटी में क्या ट्विस्ट है, फास्टिंग का। फास्टिंग जितना ज्यादा हो सके उतना करना है। कैसे करना है, स्मार्ट फास्टिंग करना है। स्मार्ट फास्टिंग क्या होती है, ब्रेकफास्ट कर लेना है, लंच कर देना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है, लंच कर लेना है, डिनर उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है, केवल पीना है। क्या पी सकते हैं, केवल चावल का मांड पी सकते हैं, जो हमने सीखा है ना खाली पेट एसिडिटी में। डिनर में केवल वो पीना है, उसके बाद छाछ पीना है। कौन सा छाछ, वो जो ओरिजिनल छाछ है जिसकी मलाई निकाली जाती है, वो भरपेट एसिडिटी में वो छाछ चाहिए। मुखवास भी इसमें जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है इंस्टेंट रेमेडीज में, वो मुखवास भी रहेगा। और जो ये छाछ है याद रखिएगा विदाउट मलाई होना चाहिए भरपेट में, ठीक है। और एवरी सिंगल डे ऐसा ही करेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लंच करेंगे, डिनर को केवल ये करेंगे। अब यहाँ पर एक ये हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं सहा जाता, अगर उनको नहीं सहा जाता तो उनको भोजन कर लेना है, कि उनको लगता है कि बिल्कुल कमजोरी आ रही। और एक अमेजिंग बात यह है कि पता है फास्टिंग जब आप शुरुआत में करते हैं ना तो कमजोरी यहां से होती है मेंटल, क्योंकि आदत नहीं होती ना कुछ मील स्किप करने की, तो बिल्कुल कमजोरी लगने लगती है। 1-2 दिन करोगे ना फिर लगता है अरे कमजोरी तो कोई नहीं, शरीर उल्टा हल्का लग रहा है, शरीर में मस्त एकदम फ्रेशनेस लग रहा है, तो उसका बेनिफिट है। एक पेशेंट को मैंने जब बताया था, उनको कहा था कि ये 7 दिन कीजिए सिर्फ, ठीक है ये 7 दिन करना है उसके बाद नहीं करना है, तो उन्होंने आज तक लाइफ में वो करते ही जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वो कभी छोड़ा ही नहीं। एवरी सिंगल डे वो चावल का मांड लेते हैं या मूंग दाल का सूप पीते हैं रात में, अगर भूख नहीं है तो कुछ भी नहीं खाते, वैसे ही सो जाते हैं केवल पानी पीकर थोड़ा सा। तो ये चीजें वो आज भी कर रहे हैं, और बिल्कुल आप वो कहते हैं कि सर जी कोई डिफरेंस नहीं एनर्जी में, मैं ये सभी को सजेस्ट नहीं कर रहा, ये किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है, तो वो वहां पर देखना आवश्यक है। एकदम फोर्सफुली नहीं लगना है कि करो ही भैया, ठीक है सूट करता है नहीं करता है पहले आप खुद ट्राई करके देखिए, फिर वहां पर आप आगे इसको कह सकते हैं। तो एवरी सिंगल डे 7 दिन तक कर सकते हैं, जो खाली पेट की है भरपेट की है दोनों थेरेपी 7 दिन तक करने से काफी आराम मिलता है, बहुत अच्छा रिलीफ होता है। और भोजन बिल्कुल हल्का करना है, जो भरपेट एसिडिटी होती है याद रखिएगा भोजन हल्का ही चाहिए। अगर आप भोजन में दूध वगैरह दही वगैरह खाते हैं तो फिर नमस्ते, फिर आगे वो नहीं हो पाएगा। तो ये है एसिडिटी की थेरेपी। आशा करता हूँ आज के टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीजें समझ आई होगी, ये भी आशा करता।